आई थिंक ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है. आई थिंक जिस तरह से पिक्चराइज किया है, गाना जिस तरह का है, लुक जो है, और बहुत मतलब बहुत सालों के बाद आई एम डूइंग अ सॉन्ग, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन. हाउ डज इट फील टू बी बैक आफ्टर सो लॉन्ग? Well, it feels amazing. I didn't go anywhere. I was here only. But yes, after very long, I'm doing a song. Yes, on big screen. So yes, of course, I love it. Dancing, I love. So ये जब ये मौका मिला तो मैं बहुत खुश थी, because जैसे मैंने कहा ये मेरा literally मेरा all time favorite गाना है. So yes, I'm very happy and it's great to be back. जी आएंगे और एक गाने आ रहे हैं अभी. So stay tuned for that. Award भी मिला है. Well, I'm very happy to be part of the ACE Business and Influencers Award. I wish all the awardees a hearty congratulations, and thank you so much for having me here. Thank you. Thank you all. Sorry? Ah, moving in with Malaika is a lot of fun. बहुत मज़ा आ रहा है. Don't forget, 5th December को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है, सो वॉच इट एंड एंजॉय इट. तैयार होने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आई टुक लाइक 1 hour टू गेट रेडी. बट या इफ यू आर लाइकिंग दिस ड्रेस वॉज बीन प्लान फॉर लॉन्ग, सो इट वॉज प्लान फॉर सम अदर इवेंट, बट आई एम हियर एंड यू. आई थॉट दैट आई डोंट नो वेदर यू गाइज विल लाइक इट और नॉट, बट यू लाइक दिस. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू गाइज आर सो क्यूट ना, सो वे सो नाइस, सो स्वीट. बहुत बहुत. और अभी इतने सारे अवार्ड्स हो गए हैं तो मैं माय डैडी सेइंग कि एक काम करो, एक घड़ी खरीद लो अवार्ड्स रखने के लिए. सी व्हाट आई थिंक इज प्रेजेंटिंग योरसेल्फ in front of you, the people who get inspired by you in a very nice manner, which I feel that's very important, and being into the society, doing things are very important. Like, you know, like how you present yourself will inspire your fans. You have that social, you know, like responsibilities towards your fans, towards your audience. So मैं वो हमेशा maintain करने की कोशिश करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, खुशी आसानी से नहीं मिलता है. सो वंस यू गेट हैप्पीनेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज वी डू एवरीथिंग टू गेट दैट. Yeah, was very. She has been my idol since my childhood. I mean, like बचपन से ना मैं उनको Lakme के ऐड में या Femina के कवर में देखती थी, और she used to influence me so much. Like I always wanted to be on the cover of Femina after, because I used to see every time Malaika ji on Femina cover. तो बचपन से मैं बहुत influence हो जाती थी, तो मैं हमेशा जाती थी कि मैं कभी अगर होगा कि मैं Femina के कवर पे आऊँगी. बट भगवान के आशीर्वाद से, ऑल गॉड ग्रेस, आई हैव कम ऑन सो मेनी कवर्स ऑफ Femina. तो शी इज माई इंस्पिरेशन, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गेट द अवार्ड फ्रॉम हर. हकीकत ही है जिंदगी की, आप कर्म करते चलो, डोंट बॉदर व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. हाँ, बट ऐसा एक्नॉलेजमेंट, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट अबाउट अ फीलिंग कि आप शायद कुछ समाज के लिए कर रहे हो. आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे और इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया. तहे दिल से शुक्रिया उनका. एक्साइटेड हूँ बिकॉज नॉमिनेटेड एंड बिजनेस अवार्ड है, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड का भी है. डेफिनेटली अगर मुझे अवार्ड मिल जाता है तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगी. बट या आई एम होपिंग, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, एंड आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. It is like a, not a certificate, but it is like it gives you a push. आपको आपको definitely एक personal level पर आपको push मिलता है कि okay, जो मैं कर रही हूँ, maybe I'm moving towards the right direction. So
I think kahin na kahin it makes you feel happy, it inspires you, it gives you a push. So it is it's good, yeah, it's a very good feeling. मैं नहीं कर रही हूँ बिग बॉस फॉलो, टाइम नहीं मिलता है टीवी देखने का. आई विश मैं करती, बट अगर कभी करूँगी बिग बॉस तो पता नहीं, बट वैसे तो नहीं देखती. थैंक यू सो मच. इट इज़ अ डिज़ाइनर आउटफिट एंड इट्स अ क्रॉप टॉप विद अ प्लाजो. So I've just paired it up with basic earrings and you know to go look. मैं बहुत खुश हूँ. जैसे आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 2 साल से अब सीरियल्स छोड़कर साउथ चली गई हूँ और फिल्म्स कर रही हूँ वहाँ पर. तो मैं बॉम्बे को बहुत मिस कर रही थी, मेरी इंडियन ऑडियंस को बहुत मिस कर रही थी, मतलब हिंदी ऑडियंस को मिस कर रही थी. तो अब फाइनली उस चीज़ का रिकग्निशन मिला है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे अवार्ड मिला एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी बैक इन बॉम्बे. तो अब मेरी 2 फिल्में ऑलमोस्ट एडिट होके रेडी हो चुकी है. तो वो तो तेलुगू में है, एक का नाम है अंतमैना लोकम जो नहीं समझ आएगी आपको, दूसरे का नाम है सोलमेट्स. अब ये दोनों जब हिंदी में डब हो जाएगी तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी. थैंक यू सो मच. हमारा सबका हौसला बढ़ाने के लिए आप आए. इन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं मजबूर हो गई कि कोई ना कोई रिकॉग्निशन इनको मिलनी चाहिए. जिस तरीके के ये लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जब मैंने इनसे बात किया मैंने देखा कि कितना दिन भर ये लोग जो है वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, किस तरह की इनकी कलाकारी है आप देखेंगे. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूर करना चाहिए आगे बढ़ के. इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे कोई बिजनेस से है या कोई इन्फ्लुएंसर है, सबको एक पहचान मिलनी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. क्योंकि आप काम सब लोग करते हैं, मज़ा तभी आता है जब आपको आपके काम के लिए जाना जाए और पहचाना जाए. तो एस बिजनेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया कि सबको जो है उनके काम की अहमियत और उनको अवार्ड मिला जाए, उनको सम्मानित किया जाए, वो जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग अस. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और भी इन बच्चों को आगे बढ़ना है. Yes. और बहुत आगे बढ़ना है. सभी की आप प्रोफाइल देखेंगे तो आप देखेंगे एक 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 कलाकार हैं अपने उसके. हाँ अरहान, अरहान, आमिर, फैजल, अरे मनीषा रानी को तो मैं भूल ही गई, इसके तो जानते ही होंगे सब. सारे लड़कों को तोड़ ताड़ के क्या करेगी भाई? क्या करेगी? हाँ कैसे करेगी? माइक वाइक नहीं मिलेगा क्या? ऐसे बोलना पड़ेगा? अरे इतने सारे. अच्छा ठीक है. हेलो, अरे सब सुन रहा है. अच्छा सब सुन रहा है, बस मेरे को ही मेरा आवाज़ कम सुनाई देगा, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, तो पहले इंग्लिश में 2 लाइन बोल देते जो रट के आए थे, ठीक है, वरना वेस्ट चल जाएगा. ओके हाँ हाँ ठीक है. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड बाय द मोस्ट हॉटेस्ट एंड ब्यूटीफुल वुमन ऑफ ऑल टाइम, मलाइका अरोड़ा मैम. बस इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं, 2 लाइन ही था. हाँ, कम टू द हिंदी जो मेरा फॉर्म है. तो पूछिए ना आप लोग थोड़ा कुछ. बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है. ये अवार्ड बहुत पहले मिलना चाहिए, लेकिन लेट से मिला कोई नहीं देने वाला, जब भी देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है. लेट से मिला बट मलाइका मैम से मिला, विच इज वेरी गुड फॉर अस. हाँ, तो वी आर वेरी हैप्पी. और एज एन इन्फ्लुएंसर अगर हमारा वैल्यू अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, अगर हम वीडियो ना बनाए तो मार्केट में पता भी नहीं चलेगा कौन से मूवी का गाना आया. राइट गाइज, सो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज जनरेशन. हमारे वजह से इंडिया के आधे लोग इंटरटेन, आधे से ज़्यादा इंटरटेन हो रहे हैं. अभी लोग मूवी सीरियल कम देखे, लेकिन टिकटॉक सब देखेंगे, वीडियो सब देखेंगे, रील सब देखेंगे. तो वी रील्स रील्स हाँ यार, टिकटॉक से फेमस होकर फिर रील्स पे आया. टिकटॉक को वी कांट फॉरगेट टिकटॉक. हाँ जो भी है या सो अभी नाउ इंस्टाग्राम टेक अ पार्ट ऑफ टिकटॉक. अभी इंस्टाग्राम ने टिकटॉक की जगह ले लिया है, बट वैसे अभी तो वही चीज़ है. और कुछ पूछिए ना. एक्चुअली हम भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सालों से कर रहे हैं. बहुत सारे अवार्ड शो हुए, कभी किसी ने बुलाया नहीं या पूछा नहीं, या हमारे में कमी है कि पता नहीं, बट इस इन्फ्लुएंसर हमें बुलाया और अवार्ड दिया, उसका थैंक यू सो मच. रिया एंड शैली का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया, इस लायक समझा
कि हम इसके हकदार हैं, और बाकी सब अवार्ड्स होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, दिया जाता है, बट इन्होंने हमें पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आगे और मेहनत करेंगे, आप लोगों को और इंटरटेन करेंगे, और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। टोटली आगे, थैंक यू सो मच। मेरे को हमेशा मीडिया पूछती थी कि भाई आगे नया क्या आने वाला है। आई वॉज बिट स्लो इन माई लाइफ, थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक लिया था, बट थैंक यू रिया एंड शेली एंड ऑल एवरीबॉडी, जिन लोग ने मेरे को ये अवार्ड दे के मोटिवेट किया कि आमिर वी वॉन्ट मोर। सो अब ये मोर जो है ना, ये आते जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी इनका तारीफ कुछ करूँगी। दिल से तारीफ कर रहे हैं इन लोगों को, रियल में मतलब पता नहीं इंडिया के लोग क्या ही कर रहे हैं। इनको फाइनली समझ में आया कि इन्फ्लुएंसर का वैल्यू क्या है और इनको अवार्ड देना चाहिए। तो सबसे पहले आंख आप लोगों का खुला है, जो बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में हमें ऐसे भर भर के अवार्ड दो, और हम लोग भर भर के ऐसे ही मार कराएंगे, बिजली गिराएंगे और सबको अपने अदाओं से पगलाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। दिस मीन अ लॉट टू मी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और स्पेशली फ्रॉम मलाइका, शी इज अ स्टाइल आइकॉन एंड आई हैव गॉट फॉर लाइक स्टाइल आइकॉन सेम, सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आई एम रियली happy and thrilled that we came here and she got an award. It is always you know, precious feeling for each and every award. What from this, any upcoming projects? My video is releasing after 7 days, and already my series is streaming on Z5, so you all can go and watch. I'm getting a good response, so it is amazing, it is good for me. अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द बेस्ट चैट शो ऑन यूट्यूब, द सिद्धार्थ करण शो, जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, कॉर्पोरेट आइकॉन्स आते हैं, इट्स बिकम अ चैनल क्रॉसिंग। थैंक यू, क्योंकि आपने बोला मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है, और आई थिंक अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो मुझे लगता है मेरा 2022 बहुत अच्छा रहा। एक महीने पहले मोदी जी से मिले, अयोध्या में इतना अच्छा इवेंट हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार।